बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके में खोरी मुख्य पथ पर पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के चार तो दूसरे पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं धारदार हथियार से हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी नवल कुमार गौड़ को भोरे रेफरल अस्पताल से किया गया। गोपालगंज रेफर करने के दौरान बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भोरे थाना इलाके के पाखोपाली गांव के निवासी नकुल गौड़ की 65 वर्षीय पत्नी केवल देवी एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ अपने पुराने मकान पर दीप जलाने के लिए संध्या 6:30 बजे गई थी। इसी बीच पूर्व से घात लगाए बैठे द्वितीय पक्ष के लोगों ने केवला देवी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। अपनी दादी को पिटता देख मासूम बच्चा अपने घर की तरफ भागा और घर वालों को जाकर उसकी सूचना दी। घर के परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो द्वितीय पक्ष के द्वारा इन लोगों पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें पाखोपाली गांव निवासी नकुल गौड़ के 40 वर्षीय पुत्र नवल गौड़, 65 वर्षीय नकुल प्रसाद, 60 वर्षीय केवल देवी और 13 वर्षीय शिवम कुमार घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ पाखोपाली गांव निवासी राम प्रवेश प्रजापति के पुत्र छोटू प्रजापति, राम बचन प्रजापति के पुत्र राम प्रवेश प्रजापति, पूजा कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल पूजा को गोपालगंज सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया। यदि इस मामले में घायल राजकिशोर गौड़ की पुत्री सविता ने बताया कि संध्या जिस वक्त घटना हुई उस समय सड़क से कुछ दूर पर प्रशासन के लोग खड़े थे और दूसरे पक्ष के लोग टागी कुल्हाड़ी और हथियार से मेरे परिवार के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन भोरे पुलिस का कोई भी जवान बचाने तक नहीं आया। जबकि चेक पोस्ट पर भी हम लोग पुलिस से मदद मांगने गए लेकिन उन लोगों ने भगा दिया। अगर पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो आज ये घटना नहीं होती। वही इस मामले में भोरे थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन ने बात बताई कि उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को हमने भेजा लेकिन पुलिस की गाड़ी का चक्का पंचर हो गया। फिर डायल 112 की टीम को तुरंत भेजा गया। 112 टीम के द्वारा दो लोगों को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप बेबुनियाद है। वहीं वारदात में शामिल दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटनास्थल पर FSL की टीम कुछ देर बाद पहुंचने वाली है। घटना में जो भी लोग शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें गांव के लोग भी उसके साथ ही समाजित थे, उसको मिल के मारे उसको। और यहाँ से चार ही लोग गए थे, चार पांच लोग, और उसके बाद मेरा सबको घायल कर दिए सब मार के। गांव के लोग अगर नहीं मारे होते ना तो हम लोग को कोई मार के नहीं निकल पाता। इतना प्रशासन इतना हरामी है। प्रशासन को तो हम लोग हमेशा गाली देंगे। प्रशासन मतलब कुछ नहीं है। बताइए प्रशासन मतलब चौकी पे भी पुलिस मर गया था, सब सब पुलिस मर गया था। पुलिस भी कह रहा है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, और उस सब भी बोला है कि तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ पे पुलिस। अब बताइए हमारे घर का समाज वहाँ पे मर रहा है और हम पूछ रहा है कि तेरा किस लिए आए हो तुम। उन लोग को तो बोलना चाहिए ना, उन लोग को सुलझाना चाहिए ना उस काम से कि उस घटना घटा है और पुलिस वहाँ पे मौजूद था लेकिन कुछ नहीं बोला एक बार भी, आके देख के चला गया वहाँ से। सबको धमकी दिए, सब हमारे भाई पानी के लिए छटपटा रहे थे। कोई वहाँ पब्लिक कोई एक भी पेशाब कर हमारे भाई को पानी नहीं दे को जिंदा हो जाए। वो सब धमकी दिया कि अगर कोई छू दिया इसको तो तुम लोग को काट के रखेंगे। हथियार के साथ इतना हथियार वजह से कोई छू नहीं पाया। हम लोग भी डर गए थे। बताइए खुद हम लोग नहीं छू पाए, बस इसी के। कहां है मम्मी? मम्मी वहां है। मम्मी से हम लोग सामने हमें कुछ बताया नहीं। हार्ट की मरीज है, अभी मर जाएगी तुरंत, उनको कुछ मालूम। सर, पाखोपाली घटना में कितना लोग इंजर्ड है? उसमें टोटल 6 लोग इंजर्ड थे। 3 लोग रिपोर्ट हुए थे यहाँ से जी, नवल किशोर गौंड, नकुल प्रसाद और एक लड़की थी पूजा कुमार। इलाज के लिए सभी कब आया था रात में? ये 8:15 में यहाँ पे पहला नवल किशोर गौंड का जी। राम बच्चन का फैमिली सोन तो मेहरा दू गो लड़की नहीं, दू गो लड़का एगो सोनार दू गो लड़का सब जाना का गाड़ी सब हाथ बोल सब तुर फाड़ ले ला मां।
लिख के सूचना दे अपने घटना के सबके उम्र सात आठ बजे छह बजे के बताइए सबको टांगी से रहुआ क्या करेगा रहे हो जाए भाई गई दियो बारे कहत रे बुरमारी भोसड़ी ते का करे है जी हां ई तो घर हो हम कहीं हमारे घर में हो लग गए हमारे पहले से जमीन के भी विवाद चलता का हां चलता या 12 साल से बैठी ओ जा अपनो घर बनी जी बनी जी घर प्लान रहुए मारे खातिर प्रशासन हो जाई रहुए इतना ज्यादा प्रशासन इनको तो होशी नहीं था मार के पटवा दिए थे लोग पटवा दिया बारे खातिर अकेले रहुआ गए रहुए की परिवार के और लोग गए रहुए छोटी इतना छोटे छोटे बच्चे थे वो डेरा के भगे हुए वही तो आए लेते तो बताए थे की वहाँ दादी मर गई है तब हम लोग जाने की सच की मर गई तो हम लोग दौड़क दौड़क गए वहाँ तो देखे कि मेरी मम्मी नहीं है तो पापा के पास फोन किया हम लोग कि पापा पाइए ना मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है तो पापा अपनी बेटे लोग को बोले कि राजू नौ चलिए वहाँ पर मार हो रहा है तारी मम्मी के मार के मुआ दे वालो गोविल में बाइक पे बैठले वालो बाइक गड़ासी रहुए आरी रहुए लकड़ी काटे वाली आरी राड रहुए ऐसे ऐसे लोग मर्डर कैले वालो बताइए आप लोग